आज का जो फूड ब्लॉग है उसकी शुरुआत करने वाली हूँ मैं वड़ा पाव विद ग्रीन चिली की रेसिपी के साथ में। और जल्दी वाली रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, और घर में आने वाले हैं मेहमान, उनको आज उस स्नैक्स में मिलने वाला है वड़ा पाव मेरे हाथ का बना हुआ। और इसलिए मैंने ज़्यादा आलू उबाले हैं, यहाँ लहसुन और हरी मिर्ची पीस ली है, जीरा राई हींग मेथी दाने और कड़ी पत्ता डाल दिया है गरम तेल में। और जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था हरी मिर्ची लहसुन का, उसको मैं उसे भून रही हूँ। फिर डालूंगी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर, और इसको मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करने के बाद जो आलू हमने मैश करके रखे थे साइड में, उसको मैं डालूँगी इस कढ़ाई मसाले में और इसको अच्छे से भून लूँगी। आप चाहें तो आप इसमें मूँगफली या तो कटी हुई हरी मिर्ची, आप जो चाहे डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार। मैं इस तरह से बनाती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें धनिया, क्योंकि मसाला बन चुका है, ये बना है वड़ा का जो स्टफिंग है वो बन गई है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हम इसको साइड में रख के ठंडा कर लेंगे। बाद में इस तरह से गोल गोल टिक्की बना लेंगे, जिसका हम बनाएंगे वड़ा बैटर में डिप करके। तो ये सारे टिक्की बना के रख ली है मैंने, और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि घर में लोग आने वाले हैं, काफ़ी लोग आने वाले हैं। इसलिए अब मैंने ले लिया है बैटर के लिए बेसन, और यहाँ पर नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल के मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करते करते इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर पानी, और पानी जो है ऐसा रखेंगे बैटर का जैसे वो अच्छे से बन जाए वड़ा। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च धो के रख ली है, सुखा ली है, और देखिए इस तरह से रखनी है हमको बैटर की कंसिस्टेंसी। हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा लिया है चाकू से, जैसे वो तेल में उड़े नहीं, और गरम तेल में उसको मैंने फ्राई कर लिया है। और यही तेल में बनाऊंगी मैं वड़ा, फ्राई करूंगी। और अच्छे से फ्राई करने के बाद साइड में निकाल के आप इसमें आमचूर पाउडर और नमक डाल के मिक्स कर लीजिए, और ये आपकी चटपटी हरी मिर्ची फ्राई तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने बैटर रेडी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तेल गरम है। अब बस बनाऊंगी गर्मा गर्म वड़े, और मैं सर्व करूंगी विद ग्रीन चटनी जो मैंने पहले बना के रखी है, एंड ग्रीन चिली जो मैंने फ्राई करी है, और साथ में दूंगी कटा हुआ प्याज ऑल्सो। तो बस गरम गरम बन रहा है वड़ा को, और जो मेरे गेस्ट है उन लोगों को ब्लॉग में नहीं आना है इसलिए मैं उनको नहीं ले रही हूँ। बट उनको खिलाने के बाद, जैसे हम लोग हमेशा जो होस्ट होता है लास्ट में खाते हैं, तो मेरे बच्चे और मैं लास्ट में खाएंगे, पहले गेस्ट खाएंगे। और गरम गरम वड़े निकाल के साइड में रख रहे हैं हम लोग, और यकीन मानिए ये वड़ा जो है बहुत टेस्टी बना है और बहुत अच्छा बनता है। तो ये है उनकी प्लेट जो उनको देने वाली हूँ मैं, उनका खा के हो गया है, अब मैं दे रही हूँ बच्चों को। सो ये रही बच्चों की प्लेट, एंड निष्ठा को चटनी चाहिए रहती है विथ हरी मिर्ची एंड ग्रीन चटनी, दीदी को खाली सॉस चाहिए रहता है, और ये रही ग्रीन चटनी। मम्मा क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं बेटा? मैं बर्तन, आप क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ, या आप फोन पे पानी गिरेगा। मैं बर्तन धो रही हूँ बेटा, दोपहर के लंच के, शाम के बर्तन धोने के बाद दोनों में एक चाय। तो पापा आपने भी खाना खा लिया ना? हाँ। अच्छा लग रहा आपको? हाँ। आप बेटा मेरा मम्मा का फोन छोड़ देते हैं, मम्मा का फोन इम्पोर्टेंट है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। अजीत के लिए चीज पाव सैंडविच, और यहाँ पर निष्ठा आई है, तो प्लीज पापा को जाके दे दोगे आप प्लीज? ये क्या है आपके हाथ में, क्या कर रहे हो? पानी है। टैटू बना रहे हो? ओके जाओ। मैंने क्या किया? क्या बोली, क्या बोली? मैंने बनाया। वो दिन भी आएगा बहुत जल्दी, डोंट वरी। और ये रहा वाटरमेलन जूस, इसमें नो शुगर नथिंग, ओनली खाली वाटरमेलन है बस, और कुछ नहीं है। और डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, नींबू और पुदीना। जस्ट टेस्ट दिस वाटरमेलन जूस, कलिंगा का जूस पी के देखो कितना कितना मीठा है ना, मीठा है ना बहुत। ये पूरा हाफ कलिंगा नहीं, कुछ नहीं मिला चीनी में, नहीं टेस्ट किया था आपने? हाँ, हाँ। पूरा भरा हुआ था, टेस्ट किया था, थोड़ा सा आ गया मीठी मीठी, मीठा हो गया, और चाशनी डाला आपने। अच्छा। तो आज लंच में मैंने बनाई है दूधी की सब्जी, लौकी दो तरह से, एक तो बनाई है लौकी विथ चना दाल, और एक बनाई है मैंने दूधी विथ लौकी विथ वड़ी। एंड ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझको अजीत को, बट अजीत ज़्यादा वड़ी खाता नहीं है, इसलिए मैंने दो तरह से बना दिया है दूधी। और ये रही राइस बाहर निकाल के, ये सलाद मेरे लिए, और ये लग रही है खाने की प्लेट। साथ ही बनाया है मैंने इंस्टेंट कैरी का हल्का सा अचार, मतलब थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के, बहुत सिंपल है। यहाँ पर बन चुकी है, दूध उबाल कर रखा है मैं दही जमाने के लिए। दोनों सब्जी की रेसिपी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ गरिमा स्प्राइट फूड में।
कपड़े फैला दिए जो आपने। हाँ गरिमा, आज किचन से अपडेट जरा बताइए प्लीज। यहाँ बन रहा है नेक्स्ट के लिए मसाला राइस, बस बन चुका है। यहाँ बन रही है टिंडी की सब्जी। कौन बोलता है टिंडे अच्छे नहीं होते। जैसे की भी बना पोस्ट करूंगी गरिमा स्क्वायर फुट में। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है, सलाद भी मैंने बनाई है क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे थे। और ये रहे दही बड़े बचा हुआ। अब मैं क्या फटाफट, ये रही टिंडी की सब्जी हो गई है तैयार। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी रेसिपी डालूंगी मैं गरिमा स्प्रेड फूड में। यहाँ हो रही है लंच की तैयारी, मतलब लंच प्लेट लगा रही हूँ मैं। और ये दही वड़ा है, इसमें सब मसाले डाले हैं मैंने। और ये रही निष्ठा की प्लेट, और प्लेट लग दी है। ये है अजीत के दही वड़े, और ये देख के तो वहाँ पर रखे हैं ऑलरेडी। ये देखो बोला है पहले रोटी खाओ उसके बाद इन्जॉय। ये देख टिंडे, यू लाइक टिंडे? यस, यू लाइक इट। ये वांटेड टिंडे और दही वड़ा, बोथ। कौन दही वड़ा दे दो, दही वड़ा। और ये रही निष्ठा की प्लेट। निष्ठा मैम, थोड़े से मसाला राइस भी आपके लिए, इन्जॉय। मेरी बेटी खुद से बना रही है चीज ब्रेड टोस्ट। निष्ठा बहुत टाइम के बाद बना रही है। आपको बनाने आता है? हाँ। आराम से बेटा, ऊपर पे ले गीला गाना, फिर टट्टन मारता है। अब पलटी मारो आराम से, ध्यान से, वेरी गुड। हाँ दबाओ, और गैस थोड़ा फास्ट कर लो बेटा, अभी धीमा हो गया। तो दवा गर्म होगा तो धीमा करना है गैस, दवा ठंडा हो जाएगा तो फास्ट करना है। और निष्ठा ने खुद के बाल, मतलब दादा मामा भी कॉम योर हेयर प्रॉपरली, खुद बाल ही बनाए अपने आज। मेरी बेटी सारे काम कर लेती है, बस खाली उसके मन होना चाहिए, है ना निष्ठा? मैं बोलूँगी तो नहीं करेगी। वेरी नाइस, दूसरा बना रहे। दूसरा वेरी नाइस, देख लिया बना रहे, वेरी गुड। अच्छा गिरेगा, हो गया ना? हाँ हो गया, कट करो। हैज टू बी इक्वल। है मेरा, ये मेरे लिए सैंडविच है, और ये है अजीत के लिए सैंडविच, और ये चाय। अब मैं चाय सैंडविच दोनों खतरों के खिलाड़ी बन के। ओ माय गॉड अजीत, आराम से, बहुत गर्म है। आपने हाथ पे क्या डाला है? ए भी लाइन निष्ठा का, मेरे को अच्छा लगता है, नजर ना लग जाए आपको, वो जोर दे आपको, इंजॉय। तो फूड ब्लॉग अभी बस ख़त्म होने वाला है, बट उसके पहले बताऊंगी टिंडे की रेसिपी। टिंडे को मैंने ले लिया है, उसको छील लिया है। टिंडे को अलग भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मतलब टिंडे बोलते हैं हिंदी में। तेल ले लिया सरसों का, प्याज लहसुन अदरक का बना लिया है दरदरा पेस्ट। टिंडे में जो छील के रखे हैं बाजू में, गर्म तेल में जीरा और जो मैंने बनाया है प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको मैं डाल के भून लूँगी। फिर जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड आमचूर पाउडर। इसके बाद इसको थोड़ा मिक्स करके फ्राई करके जो टिंडे है उसको मैंने काट लिए हैं और उसको डाल दूंगी मैं इस मसाले में और उसको अच्छे से भून लूंगी। अब बहुत बनाना सिंपल है, इसमें थोड़ा सा डाला मैंने पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हम इसको बनाएंगे सूखी सब्ज़ी, तरी कम रहेगी इसमें, ग्रेवी नहीं रहेगी। एंड ढक के धीमी गैस में आँच में इसको बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिए, एंड एटलीस्ट आई थिंक 15 से 20 मिनट में पक जाएगा। उसके बाद थोड़े से लाल मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर डाल के उसको आप बना लीजिए, एंड झटपट से सब्ज़ी तैयार हो जाएगी।